यहाँ पे राजकीय कन्या महाविद्यालय में एवीपी से अध्यक्ष पद हेतु आई हूँ। मेरा ये मैं छात्र हितों के सम्मान में आई हूँ। छात्राओं का यह कहना है कि दीदी हमारे यह आपको 2 साल से हम जानते हैं, कैंपस में आप रहते हो, लेकिन छात्राएं जो भी आती है चली जाती है, ये इलेक्शनों के टाइम आती है चली जाती है, लेकिन आप मतलब आप हमारा ही आप ही काम निकलवाते हो। तो छात्राओं के हित को देखते हुए मैंने इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। बीए थर्ड ईयर से हूँ मैं। छात्राओं को मतलब हर चीज़ के सॉल्यूशन के लिए ढूंढना है, तो सबसे पहले हमारे कॉलेज की ये प्रॉब्लम है कि हमारे कॉलेज में पीजी नहीं है। मतलब पीजी के 2-3 सब्जेक्ट है, बाकी नहीं है। स्पोर्ट्स में खेल मैदान नहीं है। एनसीसी में आर्मी विंग का था हमारा, तो आर्मी विंग आ चुकी है। ठीक उसी तरह हम अपनी कॉलेज की बाकी सभी समस्याओं को सॉल्यूशन करने का पूरी कोशिश करेंगे। मैं अध्यक्ष पद हेतु कांता जाखड़, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए कांता जाखड़ को विद्यार्थी परिषद की तरफ से अध्यक्ष पद का टिकट मिला है, और हम सभी छात्राओं के समर्थन से मैदान में आए हैं। और सभी जिस तरह हर साल जैसे छात्राएं हमको समर्थन करती हैं, इस साल भी हमें समर्थन करेंगे। और हमारे चुनाव के मुद्दे यही रहेंगे कि हमारे कई पीजी डिपार्टमेंट्स अभी भी यहाँ पे खुले नहीं हैं, तो वो मांगे हम प्रशासन के सामने रखेंगे। और यहाँ पे खेल की सुविधाएँ नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, और गर्ल्स को जो भी यहाँ पे समस्याएँ, जैसे एक हमारे जूलॉजी के टीचर, वो पिछले 4 सालों से वो हमारी समस्याएँ लगातार बनती हुई आ रही है, तो उसको हम प्रशासन के सामने लेके जाएंगे कि उस समस्या का हल निकाला जाए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव भी लड़ेंगे और छात्राओं के हितों में कार्य भी करेंगे। दीपिका बगड़िया, स्टूडेंट लीडर, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, उस पर छात्र संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमने हमारी बहन कांता जाखड़ को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और जिस प्रकार से अभी यूनिवर्सिटी के जो परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए हैं, इस कारण से हमने अभी तीनों पैनलों को नीचे रोका है। जैसे यूनिवर्सिटी अपने परीक्षाओं के परिणाम जारी कर देती है, उसके बाद में जो नीचे के तीनों पोस्ट है उन पर भी हमारे कैंडिडेट्स की घोषणा कर देंगे, और हम एक पूरे पैनल की घोषणा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। मेहुल गर्ग, प्रदेश मंत्री, ABVP अजमेर।